व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। ये वाली पूरी खुल चुकी है, साइड के फेंडर्स खुल गए, पीछे की बैकलाइट भी खुल गई है। 52 मिनट और मोहम्मद कैफ भैया है, वो अपना काम कर रहे हैं एंड हेडलाइट के भी ऊपर भी कुछ सोचा है, वो भी करने वाले हैं। ने पूरा ये अपने हाथों से खोला हुआ है, बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत झलक आपको मिल जाएगी बट मैंने हाथ रख 6 घंटा लगा है, बट गाड़ी का काम ऑसम। एंड यहाँ का जो कुछ भी होगा आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एनी टाइम व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो ये है अपनी वाइट वुल्फ एंड अभी टाइम हो रहा है 1:26 और मैं निकल रहा हूँ इसके कुछ काम लेके एंड बहुत टाइम हो गया इसको मैं निकाला नहीं हूँ। एंड आज डेट है 20 जुलाई एंड अभी निकलना है बाहर, तो पहले इसको कर देते हैं स्टार्ट, बट पहले इसको गियर में से निकालना पड़ेगा और अपना पेंट की हालत होने वाली है ख़राब। बाइक गंदी थी तो दिक्कत नहीं, तो आई होप आप लोगों को क्लियर विजन आ रहा हो। बाइक को होना देते कोल्ड स्टार्ट एंड फिर लेकिन निकलते हैं घर से। सो निकल चुके अपने घर से और आज क्या होने वाला है बाइक के ऊपर एंड क्या क्या चीज़ों के लिए मैं जा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि अपने पहले बात की थी कि मैं करवाने वाला हूँ अपनी बाइक मॉडिफाई एंड अपना होगा प्रोजेक्ट 2.0, तो उसके लिए ही मैं अभी जा रहा हूँ मिर्ज़ापुर मार्केट एंड मिर्ज़ापुर मार्केट में एक दो शॉप्स है जो अच्छा काम करती है, मेरे को उनके पास जाना है। सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा काम है, तो मैंने बोला कि लेट्स ट्राई वंस, अगर अपने को काम अच्छा लगता है तो हम लोग करवा देंगे एंड नहीं अच्छा लगा तो फिर मना कर देंगे। तो सबसे पहले अपने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर की तरफ एंड उसके पहले अपना एक काम है, लाइक जेडी को लेना है, वो अपना एक काम ही है क्योंकि जेडी के पास आज व्हीकल नहीं है, तो मुझे लेने जाना है जेडी को एंड जेडी को लेते हैं एंड फिर निकलते हैं मिर्ज़ापुर की तरफ। और बाइक के ऊपर आज क्या होने वाला वो मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ। बाइक पे होने वाला है रैप एंड पीपीएफ। अगर मेरे को दोनों का रेट सही लगा तो मैं वो करवा दूंगा, और रेट सही नहीं लगा तो फिर वो मना कर देंगे। और पीपीएफ का सीन ये है कि मैं पूरी बाइक के ऊपर पीपीएफ नहीं करवाने वाला हूँ, मैं जस्ट पीपीएफ करवाऊंगा टैंक को, क्योंकि टैंक इज़ द मेन, बाकी तो पार्ट्स जो है वहाँ पे रैप हो जाएगा तो वहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। और निकलते हैं यहाँ से, जेडी को पिकअप करते हैं एंड मिलते हैं। तो मैंने कर लिया जेडी को पिकअप एंड बहुत टाइम लग गया क्योंकि जेडी भाई थोड़ा काम कर रहा था और अभी टाइम हुआ है 2:10। और सच बताऊं तो हम लोगों का ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्लान नहीं था कि हम लोग पहले रैप करवाने ही जाने वाले हैं, बट आफ्टर दैट मुझे जेडी का कॉल आया कि दिशांत भाई एक रैप वाला है जिसके पास मेरे पहचान वाले ने काम करवाया हुआ है, तो मैंने उसने मुझे बताया, तो मैंने बोला कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। एंड ये है अहमदाबाद का फेमस जमालपुर मार्केट एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को आना हो तो आप लोग आ सकते हो, लाइक यहाँ पे वेजिटेबल्स मार्केट है और भी 2-3 चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ पे मस्ट विजिट करें। बाकी चलते हैं मिर्ज़ापुर। सो फाइनली अभी टाइम हुआ है 3:15 और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एंड अपनी जो बाइक है वो ही रही, ये वाली पूरी खुल चुकी है, साइड के फेंडर्स खुल गए, पीछे की बैकलाइट भी खुल गई है और आगे देखने जाए तो आगे का मडगार्ड भी निकल चुका है और पूरी बाइक अभी के हिसाब से तो खुल चुकी है। और आगे आगे इस पर जो जो होने वाला वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जेडी आ जाए इधर, कैसा लग रहा है अभी और काम जैसा होगा? अगर देखो जैसा सोचा था अगर वैसा ही हो गया तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही यूनिक लगेगी बाइक अपनी। और बस तो थोड़ी देर में यहाँ पे जो काम चलता है वो भी मैं आपको Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. So finally, panel ho gaya, done. Ye first wala panel hai. ये वाला राइट पैनल है एंड लेफ्ट पैनल और होना बाकी है. बाकी अंदर से देख सकते हो पूरा अंदर से लॉक किया हुआ है सब जगह से. ये पूरा लॉकिंग सिस्टम है. इसकी वजह से जो रैप है वो निकलेगा नहीं इजीली. अगर नॉर्मली पिल भी होता है तो भी होगा नहीं वो. एंड बाकी आप क्वालिटी देख सकते हो एंड फिनिशिंग वर्क भी देख सकते हो आप लोग साथ में. बाकी जो मेजर रहता है वो ये वाला रहता है. यहाँ पर देखिए नट्स के लिए भी अच्छा खासा स्पेस कर दिया है. प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी एयर बच गई है वो यहाँ से पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी. यहाँ पे छोटा सा हॉल किया हुआ है. बाकी पूरा फिनिशिंग वर्क हो चुका है. ये सिर्फ राइट पैनल हुआ, लेफ्ट पैनल अभी भी होना बाकी है. और भी आगे का मड गार्ड और आगे का जो टैंक है उसके ऊपर हम लोग कुछ करवाने का सोच रहे, बट वो भी होगा कि नहीं वी डोंट नो. बट लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है. और सो अभी टाइम हुआ है 4:52 और मोहम्मद कैफ भैया है वो अपना काम कर रहे हैं. ऑलरेडी अपनी बाइक का थोड़ा काम हो चुका है एंड लाइक दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. दोनों साइड से देख सकते हो एंड अभी दोनों की आगे की पैनल्स हो रही है एंड उसके बाद होगा आगे का मडगार्ड एंड हेडलाइट के ऊपर भी कुछ सोचा है वो भी करने वाले हैं. तो बने रहिए चैनल पे एंड ब्लॉग पे. बाकी जो सिनेमैटिक्स और वो सब कुछ है वो आता रहेगा. और अगर आज शाम नहीं हो गई तो सिनेमैटिक्स वाला अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी डालूंगा. अगर नहीं हुई तो उसका वीडियो अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा. अभी आप देख सकते हो ऋशान भाई ने पूरा ये अपने हाथों से खोला हुआ है. अब देख लो खुद आज मैकेनिक बन चुके हैं ऋशान भाई. अच्छे बहुत रे पूरा अपने हाथों से देख लीजिए आप. अभी टाइम हुआ है 8:47 और थैंक यू रईस भाई. थैंक यू रईस भाई. भाई साहब जो काम हुआ है बहुत बढ़िया. थोड़ी बहुत झलक आपको मिल जाएगी बट मैंने हाथ रखा है. जीडी बाहर लेके जा. और भाई बहुत बढ़िया काम था. एंड इनका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अच्छे ज़्यादा लेट हो गए हैं. ऑलमोस्ट 6 घंटे लगे. नहीं 6 घंटा लगा है बट गाड़ी का काम ऑसम. एंड यहाँ का जो कुछ भी होगा आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो एनी टाइम यू कैन कम एंड रेट भी भाई बहुत ही प्यारा लिया है अपना. चलो थैंक यू सो मच. थैंक यू. मिलते हैं अपना वापस दूसरे काम के लिए. तो बस गया अभी मैं डायरेक्टली मिलता हूँ आप लोगों को मोटर व्लॉगिंग पर. तो फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम हियर. और बाइक में आपको एक छोटा सी झलक दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पर 2.0 लिखा हुआ आ रहा होगा. एंड भाई कैसा काम हुआ है जेडी? अरे बहुत रेयर हुआ है भाई साहब. बहुत ही बढ़िया प्यारा काम हुआ है. एंड अभी निकलते हैं यहाँ से. बैठ बैठ बैठ. सो निकल रहे हम लोग मिर्ज़ापुर से. एंड भाई बहुत ही बढ़िया काम किया इन लोगों ने. एंड बाकी बाइक में क्या क्या काम हुआ वो आप लोगों को मैं बता दूं. दोनों के आगे के फेंडर्स जो है वो दोनों के दोनों रैप करवा दिए हैं. पीछे के जो काउल्स है वो भी रैप करवा दिए हैं. आगे के हैंड गार्ड्स एंड आगे का मडगार्ड हो चुका है टोटली ब्लैक. और इसका मेन रीजन ये था क्योंकि मुझे अपनी बाइक के ऊपर स्क्रैचेस या सब कुछ करवाना नहीं था. उसके लिए मैंने रैप करवाया हुआ है और कुछ भी रीजन नहीं था. मैं पीपीएफ का मैंने सोचा बट पीपीएफ वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर मी राइट नाउ. सो मैंने अभी पीपीएफ नहीं करवाया है. पीपीएफ मैं टैंक के ऊपर करवाने वाला हूँ शॉर्ट टाइम में. बाकी निकलते हैं मिर्जापुर से और बाकी की बातें करते हैं आगे चल के. बाइक का सब कुछ काम हो गया है. एंड आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो. पसंद आया तो आप लोगों को पता है करना है क्या. और आज का जो काम था वो बहुत नीट एंड क्लीन हुआ है. तो आई विल रिकमेंड यू दिस शॉप. एंड वहां पे जाना हो तो आप लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. इंस्टाग्राम के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा.
तो मिलते हैं एक ऐसे ही किसी नए व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, एंड प्लीज गाइज सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत टाइम से अपने चैनल पे वीडियोस कंटिन्यूसली डाल रहे हैं पर अपने को रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है. तो प्लीज गाइज डू सपोर्ट मी टू ग्रो, एंड मिलते हैं एक ऐसे ही किसी नए व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग. साइनिंग ऑफ, दिशांत.